Hello, hello, hello. Yes, you are live. Hi, how are you? Okay, I have to start quick. आप लोग साथ साथ join करते जाएंगे और because we have to do lots of work. आज जो हमारा session है वो है without foundation makeup look, right? उस पर हमें काफ़ी सारे comments आए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने inbox किए हैं कि you have to do. तो वो एक हम quick session करेंगे. अस्सलाम वालेकुम राबिया, अस्सलाम वालेकुम ईमान. तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि हम लोगों को आज आपको पॉलिशर का डेमो देना है, साथ में दैट आर गोल्ड थेरेपी का, राइट? और उसके साथ साथ वीडियो भी चलती रहेगी, बातें भी चलती रहेंगी, गप्पे भी लगाते रहेंगे और हमारा काम भी होता रहेगा. ओके, कम भी. आई ऑलरेडी प्रेपर हेयर मैंने पहले से कर दिए हैं. अभी हम रहा आप थोड़ा सा पीछे हो जाए. अभी हम पहले राबिया की स्किन प्रेप करेंगे, राइट, विद आर ग्लो पॉलिशर. लॉट्स ऑफ गाय नोज अबाउट द ग्लो पॉलिशर ऑफ प्योरहब. इसमें इस तरह तीन पैकिंग होती हैं, राइट? और तीन पैकिंग में यू हैव टू, तीन पैकिंग में हम इसको शेयर्स. अमर सलाम साइमा जी. यस सिया जी, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? लेट मी जस्ट चार्जर द टैबलेट. ओह वॉट इज माय फाइल. ओके, आई विल टेल. ओके, द पाउडर इज लाइक दिस. अच्छा, पाउडर में हमारे दो कलर्स हो सकते हैं, वाइट भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है. तो आई एम जस्ट टेकिंग वन टीस्पून, द लेवल स्पून, राइट, वन टीस्पून ऑफ पाउडर. उसके बाद हम लेंगे वन टीस्पून. अभी अस्सलाम वालेकुम अगेन. अस्सलाम of our activator, जो white color में है, this one teaspoon, right? And then which is the main ingredient, जो Purehub का main ingredient है, that is the polisher mixer. ये भी एक teaspoon, but ज़रा ज़्यादा as compared to other things. क्योंकि इसके अंदर विच इज़ लाइक द ऑल ग्लोइंग थिंग्स इनसाइड, जो आपके पॉलिशर को डैमेज स्किन को नहीं होने देता, प्रॉब्लम नहीं करने देता. और जो आपके बिकॉज एक्टिवेटर में अमोनिया होता है, उसकी वजह से स्किन में प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो उनको ये कवर कर लेता है. साथ साथ स्किन की कंडीशन जो है वो बेटर होती जाती है, उसमें इशू नहीं आता. अस्सलाम वालेकुम मलिहा, अस्सलाम वालेकुम सवेरा, लव यू डार्लिंग, हाउ आर यू? सलाम अल हां मैम, सब एंजल बुखारी, हाउ आर यू? नहीं बहुत ठंडी हुई, बिल्कुल नहीं, आज नहीं है ना, कल बहुत ठंडी थी. ओके, आई मेक इट माई पेस्ट लाइक दिस, यू कैन सी इट शुड बी, इट इज. हाय सादिया जुबैर, हाय मलिहा मकसूद. ओके, तो व्हाट आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नेक, राइट? बिकॉज नेक जो है वो आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये विद योर फेस आपने अपनी नेक की साथ साथ बहुत केयर करनी है. एंड आई एम अप्लाइंग हियर योर चीक्स एरिया. आज
मेकअप भी करेंगी जी सिद्रा जी. आज हमारा जो मेकअप की लुक है दैट इज विदाउट फाउंडेशन. हाउ वी हैव टू डू मेकअप बगैर फाउंडेशन के एक नेचुरल लुक देना कैसे देना. बेसिकली दिस फॉर ऑल यू कॉलेज गर्ल्स आउट देयर या ऑफिस वर्किंग गर्ल्स जिनको सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है. ऑब्वियसली आप सुबह सुबह फेशियल नहीं करेंगी बट ये हम जस्ट स्किन आपको प्रेप कर रहे हैं बिकॉज एक सेशन में दो तीन चीजें हम ट्राइंग के आप लोग लर्न करें सीख जाए और इससे टाइम भी बच जाता है और इससे आपको प्रोडक्ट का डेमो भी मिल जाता है. राइट बहुत ज़्यादा आइज के करीब आपने नहीं लगाना ठीक है. अच्छा आप देख रहे हैं कि बिकॉज अभी भी there is मैंने ये क्रीम यूज की है बट मेरे फेशियल हेयर इससे गोल्डन नहीं हुए ऐसा क्यों. अच्छा आपको जिसको फेशियल हेयर गोल्डन ज्यादा करने हो जिनके थिक फेशियल हेयर हो राइट शी हैज फेशियल हेयर इनके फेशियल हेयर बट थिन वन तो वो पाउडर की जो क्वांटिटी है उसको आप ज्यादा कर लें थोड़ा सा और आपके कवर हो जाएंगे उससे फेशियल हेयर. फजल आप तो रोनक हो जब आप कमेंट सुनाती हो तो बहुत ही अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच वेरी नाइस आपके लास्ट टाइम का मेकअप भी बहुत अच्छा था. थैंक यू सो मच सिद्ध अच्छा लगी है. थैंक यू सो मच जो रिमेनिंग है उसको आप जाया नहीं करेंगे वो आप अपने हैंड्स पे लगाएंगे ठीक है. In my case, ये ब्रश मुझे धो के ला देना और ये बंद करके ले जाओ. अच्छा अभी जो है आज जो हमारा डैमो चल रहा है वो मैंने हेयर पहले से स्ट्रेट ब्लो ड्राई करके प्रेप कर दिया कि ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो हमें डिले ना हो हम लाइक अपना साथ साथ काम करते रहे. काउंटडाउन हमारा चल रहा है हम 10 मिनट्स के बाद ब्लीच को वॉश कर देंगे और यू विल सी द रिजल्ट फ्रंट ऑफ यू किस तरह का रिजल्ट आता है हाउ मच ग्लो देयर विल बी और सवेरा आप भी आ जाए. स्किन की केयर के लिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि यू गाइज हैज टू डू लाइक क्लिंजिंग प्रॉपरली स्क्रबिंग रेगुलरली और अपना मास्क जो है मिनिमम भी 2 times a वीक जरूर लगाएं बिकॉज जो मास्क होता है वो आपके पोर्स के अंदर जाकर प्रॉपरली स्किन को फूड देता है. तो उसके लिए प्रॉपर मास्क होना बहुत जरूरी है अच्छा मास्क होना बहुत जरूरी है. अस्सलाम वालेकुम तानिया हाउ आर यू डियर यू आर सच अ लव थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. थैंक यू महक जी जी हेयर स्टाइल की क्लासेस भी होंगी होप सो. अच्छा अभी हमारा फैशन शो आ रहा है ब्लिंक के साथ वी आर डूइंग बैक स्टेज मेकअप ओवर देयर. ब्लिंक एग्जीबिशन इज अ ह्यूज and very nice platform for all of like working ladies जो भी काम करना चाहती हैं और thank you Tanya thank you so much you are such a love so sweet of you. thank you Mehak. अच्छा तो blink का मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर हमारा live जो है stall तो है ही है Purehub का और उसके अलावा हमारा backstage जो fashion show है makeup by Purehub by Saima यूसुफ and you most welcome Tanya आप भी बल्कि हमारे साथ आओ backstage पे makeup के लिए you are also very good artist. अस्सलाम वालेकुम बरीरा how are you love you जानी. अस्सलाम वालेकुम नफीसा how are you dear. मामा आजकल आपको ज्यादा ही रेड हेयर नहीं हो गई. हाँ अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रिमूव कर दूँ. नहीं इट लुक्स वेरी वेरी नाइस वो इधर आने लगे हैं एक दो दिन तक. अच्छा अगर मैं रेड को खत्म करूं तो मुझे बताएं कि मैं डिप लाइक जो लोअर अपने हेयर है वो कौन सा कलर करूं.
कुछ से है जो हमारी प्रोडक्ट्स है दैट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन लाइक क्योंकि जब आप नेचुरल प्रोडक्ट्स पे जाते हैं हाँ हैंड्स ऊपर करके स्माइल करें भी एक ने कहा है भी करें कि अच्छा आपके सलून का नाम भी प्योर है नहीं डियर मेरा सलून एक्चुअली पाकिस्तान में नहीं है दुबई में फेस टू फेस के नाम से मेरे सलून थे और उनको मैंने रन किया यहाँ पर कोई ऐसे सलून सिस्टम नहीं है आई जस्ट ओपन लाइक माई हियर क्लिनिक ओनली फॉर दैट क्लाइंट्स जो स्किन के मेजर इश्यूज हैं मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो आके मेरे पास यहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं ऑयली स्किन के लिए क्या बेस्ट है जी प्लीज बता दीजिए ऑयली स्किन के लिए ऑयली स्किन के लिए आप क्रीम फेस वॉश कैरमल स्क्रब और आप गोल्ड सीरम में चले जाए दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर दैट अच्छा ब्लिंक के अंदर हमारा फैशन शो हो रहा है देर इज 8 डिजाइनर्स कमिंग 8 डिजाइनर्स का मेकअप बाय आर टीम हम लोग करेंगे प्योर हब और सिद्धू मलिक हाय नहीं महक मुझे ब्लैक हेयर बहुत बुरे लगेंगे बहुत बुरे ड्रॉनी पता क्या हुआ था एक दफा आई रिमेम्बर मुझे शुरू से हेयर कलर का बहुत शौक था और जो मेरी बड़ी सबसे बड़ी बहन है ना तो बिकॉज उनके बाद मैं थी तो ऑलवेज ना शी डिड ऑल द एक्सपेरिमेंट्स ऑन माई हेयर्स तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स मेरे बालों पे करती थी उनको कोई शौक होता था अपना कुछ नहीं करती थी मेरी बालों पे करती थी वन डे शी इज कमिंग विद मी टू सिट डू हर लाइक एक्सपीरियंसेस एंड ऑल तो आपका शो कहाँ है मेरा शो लाहौर गुलबर्ग 3 में आई विल पोस्ट इट ऑन आवर पेज आप पेज के ऊपर देख सकते हैं ब्लिंक के नाम से फैशन शो है एंड एग्जिबिशन है देयर इज लॉट्स ऑफ स्टॉल्स कमिंग बहुत सारे ज्वेलरी कराची से डिजाइनर्स आ रहे हैं सांवर से आ रहे हैं लाहौर से आ रहे हैं इट्स अ बिग ह्यूज इवेंट आप कैरमल स्क्रब करते मैं थोड़ा सा टेस्ट भी करती हूँ बहुत टेस्टी है बहुत अच्छा करती हूँ वैसे वाकई सही कह रही है कैरमल स्क्रब का टेस्ट वाकई बहुत मजे का लेकिन इस पे थोड़ा सा वो थोड़ा लाइक एसेंशियल ऑयल्स होते हैं सो बी केयरफुल इतना टेस्ट का क्या करें आप मेकअप ऑफ माई मदर आप लोगों ने देखे होंगे दैट पोस्ट गॉर्जियस ब्यूटिफुल मेकअप ऑन हर और मेरे ख्याल में जितना अच्छा मैं उनका मेकअप करती हूँ मैं किसी का नहीं कर सकती बिकॉज यू नो द स्टोरी बिहाइंड कि अपनी शादी वाले दिन जब मेरी अपनी शादी हुई थी तो मैंने पहले अपनी अम्मा का मेकअप किया था फिर मैं अपना मेकअप करने गई थी लव यू अम्मा लव यू सो मच शी इज माय लाइफ शी इज माय इंस्पिरेशन एक्चुअली मैंने जो अपनी अम्मा से सबसे मेजर चीज सीखी है वो कामनेस सीखी है खामोशी और मुझे अपनी अम्मी को देख के पता है कौन सा शेर याद आता है हमेशा मुझे अम्मा को देख के ये शेर याद आता है कि कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सकूत कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सकूत जिसका जितना जर्फ है वो उतना ही खामोश है वाह 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 तो एक्चुअली दिस शेर डिफाइन माय मदर और उनकी बहुत स्वीट क्वाइट नेचर है वो टुक खामोशी के अंदर इतना कुछ कह जाती है कि really, जो इंसान बातें करके बोल के उतना कुछ नहीं कह सकता और आज सेक्सी ने बहुत मजेदार चार्ट भेजी है सो थैंक यू सो मच सेक्सी थैंक यू सो मच अम्मा फजर ने मुझे वैसे दिखाई नहीं है आई स्वेयर राबिया अब आप वॉश कर लें आपका टाइम हो गया आप वॉश करके आ जाए एंड टिल दैट आई एम हियर विद यू गाइस लव यू अम्मू हाँ मत चुप माई अम्मा चुप इज एक्सलेंट टूल इट्स द ग्रेटेस्ट टूल एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम हर थैंक यू ब्रीरा थैंक यू अभी कुछ पुराने जौक शौक जरा जरा से बचे पड़े हैं कोई कॉलेज के जमाने के शेर कभी याद आ जाते हैं
वरना हाफजा इतना अच्छा रह नहीं गया। वैसे हमारे कॉलेज में तो कोई शेर होते ही नहीं है बेटा, आपके कॉलेज में सेल्फियां लेने से टाइम लग गए थे, तुसी को शेर और शायरी कर दे कसम खुदा की। हमारा बहुत अच्छा वक्त था जिसमें सेल्फीज नहीं थी। और यार कमीनी सीरियसली क्या लग रही हूँ? अच्छा अदीला लग रही हूँ, वाओ गुड, इट्स ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। या माशाल्लाह आई हैव ब्यूटीफुल खालस। नहीं डियर, हमें अवेयर करने का कहाँ टाइम मिलता है। वी आर नॉट, आई एम नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजर पर्सन, बिकॉज जो हर बंदे की एक पर्सनैलिटी होती है, हर बंदे का एक अपना पेशेंस होता है, अपना मतलब काम करने का भी होता है। आई एम अ वर्किंग पर्सन, मुझे काम करने में मज़ा आता है। आई कैन नॉट लाइक द मैनेज पीपल एंड बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, वो मेरे मेरा वो है नहीं। वो हम में जो सबसे ज़्यादा अच्छा, दैट्स द अदीला, द बेस्ट वन, शी इज़ द एक्सलेंट होस्ट एंड माशाल्लाह शी इज़ प्रिपेयरिंग वेल, वेरी वेल एवरीथिंग। बड़ी कमाल हर चीज़ की प्रिपरेशन करनी, बनाना और उसको लेके चलना, इट्स एक्सलेंट। एंड इवन गेस्ट वाइज शी इज़ टू गुड। अच्छा, अगर यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्किन केयर, प्लीज डू इनबॉक्स और आस्क क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी स्किन प्रॉब्लम्स या कोई स्किन इश्यूज, प्लीज फील फ्री टू मैसेज अस। कोई भी आपका स्किन का इशू है या कुछ भी। ये कौन सा जेंट्स है, किसने छेड़ दिया विदिरा आपको? हम ओल्ड कौन जेंट है जरा ब्लॉक करती हूं। शोएब व्हाट, कहां आ रहा है मुझे नहीं दिखा। एक बंदा ने डॉट डॉट लिखा है, आपने कुछ लिखा नहीं है वरना मैं आपको ब्लॉक कर देती हूं। श्योर श्योर, जरूर आप जिनका भी सैलून है आप जरूर सीखें। हमारा हेयर के सेशंस भी साथ साथ स्टार्ट होंगे प्रोबेबली। हमारा 19th एंड 20th दो दिन हमारा फैशन शो है विद एग्जीबिशन, उसके बाद वील डू द हेयर कलर की हमारी क्लास है विद हेयर कट। इट्स अ कंप्लीट लाइक द पूरा डेमो सिर्फ हेयर का होगा। बरीरा आप मॉडरेटर है, आप ब्लॉक कर दे, आप कर सकती हैं, आप हमें यहाँ पे वो ना दे मशवरे। आज हम लोग बात कर रहे थे और बात हो रही थी गुनाह और सवाब की। तो गुनाह और सवाब जो है वो शुरू से चलता आ रहा है, जब से दुनिया बनी है गुनाह भी हैं सवाब भी हैं, गुनाह चलता आ रहा है। बेटा ये बंद कर दें बॉक्सेस सारे। तो गुनाह चलता आ रहा है हर दौर में, हर टाइम के ऊपर। बट अभी जो इस वक्त सर्टेन जो पोजीशन है, जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। श्योर वन डे विल डू द हेयर ऑल्सो, द नेल्स ऑल्सो। थैंक यू डियर, थैंक यू नफीसा, ये सब आपका प्यार है डियर। कोई चार्जेस नहीं है, दीज आर फ्री क्लासेस। और जो लोग सर्टिफिकेट्स लेना चाहते हैं वो हमारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे, सारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे। और जब पहला हमारा अभी एपिसोड के नाम से चल रहा है, एपिसोड वन एपिसोड टू, उनके रिलेटेड एंड पे जब आपके पास क्वेश्चंस, आपको वर्क, आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो आप करके अपने डेमोंस्ट्रेशंस हमें सेंड करेंगे। ऑनलाइन ही सब कुछ चलेगा, तो वो लोग ये फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। नहीं प्लीज़, ये गलत कर रहे हैं आप लोग के, आप बगैर सोचे समझे हर चीज़ ले रहे हैं। You have to make it, नहीं, you have to make it proper things, और देख के लीजिए, सोच समझ के लीजिए। देखिए हर इंसान अपनी profit, अपने फ़ायदे के लिए आके बैठते हैं, ठीक है। Sometime कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि जो वो सेल कर रहे हैं उनके अंदर क्या है। बट नॉट लाइक एवरी वन इज नॉट लाइक अवेयर ऑन द थिंग्स, ली बाहर से खरीदी और उन पे लेबल्स लगाए और सेल कर दिया। रावी आप आ जाइए काइंडली। हम हाउसवाइफ वगैरह सोचते हैं चीज ले लेते हैं, क्या ये नुकसानदेह नहीं? आजकल बहुत प्रोडक्ट ऑनलाइन है बेटा, वो ब्रश दे दे मुझे। ओके
you can see the result of, you can see the shine from both sides. Or koi skin aapke samne hai, there is no any redness. कोई ऐसा इशू नहीं जी ऐड कर सकते हैं वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर दें आपको ऐड कर देंगे और कोई रेडनेस नहीं हुई कोई ऐसा सीन नहीं हुआ थैंक यू और अभी हम लोग लगाने लगे हैं दैट इज आर प्योर गोल्ड मास्क क्योंकि पॉलिशर के बाद आप मास्क जरूर लगाया करें बिकॉज इसलिए कि पोर्स जो है वो ओपन होते हैं पॉलिशर के साथ कोई भी ब्लीच आप लगाते हैं उससे आपके पोर्स एक दफ़ा ओपन होते हैं और जिस दिन आपने पॉलिशर करना हो आपने उस दिन स्क्रबिंग नहीं करनी होती गाइस प्लीज ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी लाइफ में इनको बिठा लीजिए आजकल लिखा हुआ एक बंदे ने आजकल ऑनलाइन बहुत प्रोडक्ट हैं हम हाउस मैंने यही बताया कि आप प्रोडक्ट को चेक करके उनकी बैकग्राउंड लेके कंपनी एटलीस्ट इतना जरूर चेक कर लें कि कंपनी रजिस्टर्ड है अब रिसर्च जरूर कीजिए उस प्रोडक्ट के रिव्यूज देखिए हाँ नहीं रिव्यूज भी आर्टिफिशियल आ जाते हैं यार रिव्यूज का क्या चार फ्रेंड्स को बोला हाँ जी रिव्यूज डाल देते हैं अपनी चार आईडीज बनाई बहुत कुछ हो रहा है सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट और ख्याल रखें एटलीस्ट इतना चेक करें कि प्रोडक्ट जो आप ले रहे हैं वो रजिस्टर्ड है प्रॉपर कंपनी है उसकी कोई बैकग्राउंड है या नहीं है इवन जो बंदी आपको सेल आउट कर रही है उसका कोई बैकग्राउंड है उसके पास कोई लाइसेंस कोई सर्टिफिकेट्स कोई ऐसी कुछ है तो देन यू हैव टू गो फॉर अच्छा अभी हम लोगों ने गोल्ड मास्क अप्लाई कर दिया यू ऑल नोज गोल्ड मास्क दिस वन इज इट्स द इंस्टेंट वेलवेट इफेक्ट जो फौरन आपके पोर्स को मिनिमाइज करके और वेरी ग्लोइंग और वेलवेट फील देता है वेरी सॉफ्ट एंड मज़ेदार वाली राइट और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे हम उसके साथ साथ अपना आई मेकअप स्टार्ट कर देंगे बिकॉज हमें बहुत हल्का सा आई मेकअप करना है ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए अभी करेंगे हाँ मास्क के साथ बिल्कुल भी सही बात है मैं जब तक मुंह 10 दफा धुला ना हो आई कैन नॉट पुट मेकअप ऑन और टाइम की प्रॉपरली कदर करें इसको ज़ाया ना करें अच्छा हम आईज के ऊपर हल्का सा फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं राइट यू नो व्हाई बिकॉज हर आईज आर सो डीप बिल्कुल अंदर की तरफ है गाइस प्लीज फाउंडेशन अपनी कॉम्प्लेक्शन की लगाया करें थोड़ा सा आगे हो जाए मैं वाकई में आजकल आप लोग की टैन स्किन होती है एंड फाउंडेशन ग्रे हो जाती है बाहर सनलाइट में शक्ल और होती है नेक और होता है हाथ और होते हैं प्लीज चूज अ फाउंडेशन दैट इज सिमिलर टू योर स्किन टोन ओके राइट इसको हमने हल्का सा प्रेप कर लिया और नाउ व्हाट ठीक है लेट इट ड्राई ये कौन सा पैलेट आपके हाथ में ये पैलेट नहीं है क्रायलॉन वाला तो रेक्टर की फाउंडेशन पैलेट है प्लेट ये पैलेट है पैलेट है ना पैलेट्स लाइक द क्रायलॉन का पैलेट है दैट्स कलर करेक्टर दिस वन तो ये हम लोग आप लोगों को तो सिर्फ अपने स्किन टोन के साथ लेना होता है बिकॉज जब हम लोग अपना काम करते हैं तो वी नीड लॉट्स ऑफ कलर्स टुगेदर ऑफ फाउंडेशन लाइक जिसमें बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं इकट्ठे तो इसलिए उसमें फिर जो कलर आपको चूज करना हो वो आप ले लेते हैं
ओके आज आई एम डूइंग विद दिस जैकलिन हिल पहले ठीक है उस इसके लिए बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि आप अभी जैकलिन हिल पैलेट ऑर्डर कर दें बिकॉज आई एम नॉट लाइक यूजिंग टू मच कलर्स फ्रॉम हियर. आप लोग ऐसे कलर्स देख सकते हैं सिमिलर कलर्स जो भी सिमिलर कलर आपको नजर आए आपको मिले यू कैन गो फॉर दैट. जरूरी नहीं होता कि आपने वही ब्राउन शेड यूज करना है बिकॉज 90% ऑफ देम हैव द सेम कलर्स. इट्स जस्ट सो आयरोनिक कि आप 50-50 पैलेट्स लेते हो राइट. अच्छा ब्रशेस जो है ब्रशेस के मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. ब्रशेस आप अच्छे लें और ब्रशेस को वॉश प्रॉपरली करें जो लोग मेकअप करने वाले हैं. और ब्रशेस बहुत चलते हैं अब मुझे तकरीबन 4-4 साल पुराने ब्रशेस भी अभी तक मेरे चल रहे हैं. अच्छा आई एम यूजिंग लाइक द दीज आर माई ट्रांजिशन शेड्स राइट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 को में से आप कोई भी कलर उठा सकते हैं. यू कैन डू फॉर एनी वन जिसके साथ आप प्ले कर लें. अच्छा फर्स्ट आई एम टेकिंग द दिस वन द लाइटर वन एंड आई वांट टू जस्ट हाईलाइट माय ब्राउ लाइन ठीक है. So this is what kind of look are you going for, Mama? This is very super natural. Like the daily basis, you guys has to even आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपने मास्क लगाया हुआ है and you can you want to do your makeup, तो you can. ठीक है. And the second I'm taking this the third shade from here. आप shade को करीब से देख लें. इसका कोई भी similar shade you can buy. ठीक है कोई भी पैलेट के अंदर ये वो शेड्स हैं जो आपको किसी भी पैलेट के अंदर मिलता है. आप ये प्लीज पैलेट निकाल लीजिए. अच्छा आफ्टर दैट उसके साथ आप स्मजेज में बिल्कुल साथ में उसके मर्ज करते करते दूसरा कलर नीचे ले आना. दिस इज द ट्रांजिशन शेड. ओके हर दिस पार्ट इज टू मच डीप अंदर की तरफ है इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत डार्कर शेड्स नहीं डालूंगी. अच्छा और इसके ऊपर आई गो फॉर द वेरी दिस इज द लाइटर लाइक द पिंकिश काइंड ऑफ थिंग एंड पुटिंग दिस कलर हियर बिकॉज वी आर गोइंग द बहुत सुपर नेचुरल न्यूड काइंड ऑफ मेकअप वी आर डूइंग. तो ये लाइट्स आपने कोई भी शिमर शेड आंखों के बीच में लगा दिया. नाउ आई एम डूइंग द नहीं नाउ आई एम डूइंग द ओनली मैट शेड्स. तो ये मैट नॉट एनी शिमरी हियर पीचिश बेसिकली समथिंग सिमिलर टू योर आई कलर. दिस यू कैन सी दिस कलर इसका कोई भी सिमिलर आप कुछ भी अपने किसी भी पैलेट्स में से ले सकते हैं बिकॉज मोस्टली पैलेट्स के अंदर ये कलर्स होते हैं. एक मामा वो क्रायलॉन की भी पैलेट है उसकी सेम ये शेड्स हैं. हाँ सारे हैं चार बिकॉज मैंने इसलिए नहीं करी थी बिकॉज वी हैव टू मेक इट लाइक ऑल कलर्स फ्रॉम हियर. ठीक है वो मैंने अपने कहाँ से मिलेंगे बता दें लाहौर से किस जगह से मिलेंगे क्या शेड्स. आप बेटर अगर आपका सलून है तो गो फॉर द क्रायो पैलेट. ये वाली है दिस इज द क्रायो का जो ये वाला पैलेट है दिस इज द एक्सेलेंट वन. और शेड्स भी है डिपेंडिंग ऑन योर आई कलर. जैसे इसके ये वाले बेसिक शेड्स हैं जिन्हें न्यू शेड चाहिए होती है स्पेशली बच्चियों के लिए. दिस इज रियली रियली गुड वेरी नाइस कलर्स फॉर देम एंड दिस वन एंड दीज ऑल्सो माई कलर्स which I'm regular using. अगर एक ऑरेंज साथ में हो जाए तो that's my whole life. जैसे कह लें मेरी सारी जिंदगी के shades बन जाते हैं इसमें. And these are all match. Right. अभी जो corners के लिए मैं जा रही हूँ मैं ये color में जा रही हूँ. You can see this color. This is also matte. ठीक है कोई हम लोग shimmery और उसमें नहीं जा रहे. I'm just little bit putting here on the edges. Right.
माशाल्लाह से फजर को बहुत अच्छा आता है, खुश रहो। मुझे क्या आता है? माशाल्लाह से फजर को कुछ भी नहीं आता है मामा, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह से फजर को मैंने हजार दफा कहा है कि आप मेकअप सीख लें, माशाल्लाह से फजर मेरे करीब नहीं आती है। जी मामा ठीक है। और एंड पे मुझे पता क्या कहती है, मामा आई हेट मेकअप। नहीं मैं मेकअप करती हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। हाँ करती है जब जब फजर का अपना। अच्छा एंड नाउ आई एम गोइंग दिस लिटिल पीची शेड, दिस वन, दिस इज राइट फॉर हियर, इसी के आगे थोड़ा सा। ये जो आपके हैंड हैं वो कहाँ से, ये जो आपके हैंड में है वो कहाँ से मिलता है? ये जैकलिन हिल की पैलेट है। ये जैकलिन हिल की पैलेट है, बहुत सारे ऑनलाइन आपको जगहों से मिल रहे होंगे और ये साथ साथ आपको वहां से भी मिल जाएगी। अगर कोई एग्जीबिशन हो रहा है पाकिस्तान में प्रॉब्ली मेकअप का नहीं, देयर इज लॉट्स ऑफ, मैं लिंक्स आपको भेज दूंगी। एक मेकअप कॉस्मेटिक के नाम से कुछ है, उनके पास भी इम्पोर्टेड मेकअप होता है। और दैट द सेम, वही शेप मैंने उसको दोबारा से थोड़ा सा एनहांस किया। ओके नाउ यू हैव टू सी, सबसे पहले ये शेड लगाए, उसके बाद हमने ये ट्रांजिशन शेड एज अ यूज किया, देन हमने इनर कॉर्नर्स वाले एरियाज पे ये शेड यूज किया, फिर हमने आउटर कॉर्नर्स जो थे उस पर ये शेड यूज किया, राइट अगेन हम लोग इस शेड पे चले गए उसको ब्लेंडिंग के साथ, और फिर एंड पे मैंने इसी शेड को हल्का सा दोबारा एड ऑन कर दिया। डियर ओपन पोर्स के लिए आप हमारा गोल्ड थेरेपी यूज करें, दैट इज एक्सलेंट फॉर दैट, दैट्स रियली रियली गुड फॉर दैट। ओके हमने बेसिक जो आई मेकअप है वो हमने कर दिया, अब राबिया आप फेस ना उससे क्लीन करके आइए, जस्ट क्लीन वॉश विद करिएगा। उतनी देर में जितनी देर में हमने मेकअप कर लिया है हमारा गोल्ड का टाइम पूरा हो गया, ठीक है। और बेटा उधर से लाइनर पकड़ लाए मेरा, लाइनर हाँ जी। अच्छा लाइनर आप जो मुझे खुद को पसंद है लाइनर्स, विच यू कैन गो फॉर द बॉबी ब्राउन, दैट्स गुड। मॉर्फे का लाइनर इट्स आल्सो गुड, एंड इनग्लॉट का लाइनर आई रियली लव ब्लैक वाला, दैट इज रियली रियली गुड। जी बिल्कुल आना यार सर, हम यूएसए डिलीवरी करते हैं। हाँ जी दरक्षण आप इनबॉक्स कर दीजिएगा, दक्षण दे बदर वॉट एवर, तो आप इनबॉक्स कर दीजिएगा, आई सेंड यू जो जो लिंक्स हैं ऑनलाइन के। अच्छा तो मैं बात आपसे क्या कर रही थी कि गुनाह जो है वो साथ साथ चलते हैं जिंदगी के, लेकिन इस करंट दौर में जिसमें हम जा रहे हैं इसके अंदर आप, आपसे मेरा क्वेश्चन है, चलिए आप मुझे बताइए कि देखिए शराब भी हमेशा से पी जाती है, जिना भी हमेशा से हो रहा है, कत्ल भी हमेशा से होते हैं, हक तलफी भी हमेशा से होती है, जुल्म भी हो रहा है, झूठ भी बोला जाता है, गीबत भी हो रही, सब गुनाह चलते चले आ रहे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा होने वाला गुनाह अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो दैट्स माई क्वेश्चन फॉर यू, मैं आप लोगों के आंसर्स देख लूँ, मैं देखूँगा कितना नॉलेज आप रखते हैं, तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि विच आई फील के सबसे ज़्यादा होने वाला गुनाह जो अभी इस वक्त हो रहा है वो कौन सा है। जी जी मेकअप कर रही हूँ अभी, बिकॉज शी इज लाइक वो मास्क उतार देंगी तो उसके बाद हम बाकी का अपना कंप्लीट करेंगे। मामा मेरे हिसाब से तो बेसिकली एमन आपकी जो भी क्वेरीज हैं जानी आप इनबॉक्स कर दीजिए हमें और अपनी पिक्चर सेंड कर दीजिए तो दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट डियर। मैं यहाँ पर हेयर कट नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं सिर्फ वो क्लाइंट्स ले रही हूँ, या तो मैं ब्राइडल्स ले रही हूँ और या फिर स्किन के जो प्रॉब्लम मेजर है वो ले रही हूँ, बाकी और Hypocrisy, that is also a good answer. That is also a good answer. True. Very, very near to. Very near to. मुझे बताओ क्या लगता है आजकल सारे गुनाह गीबत, जी बिल्कुल गीबत also.
बट इनसे भी एक बड़ा गुनाह है जो इंस्टेंटली हुआ चला जा रहा है. फजर ने आंसर किया हसद और आंसर करें दूसरों के गुनाहों का हिसाब रखना. दैट्स ऑल्सो गुड आंसर. दिस इज ऑल्सो, लेकिन ये भी कोई कोई करता, सब नहीं करते. नशीन दैट्स ग्रेट. हसद गीबत मामा बाबा से बदतमीजी ऑल्सो इट्स अ वेरी बिग गुनाह. सही बात, कभी भी नहीं करना मैंने. और बाकी ही टाइम वेस्टिंग आप इनबॉक्स कर दें और अपनी पिक्चर भी कर दें. जी तो इस वक्त अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं तो राबिया प्लीज कम. राइट नाउ यू कैन सी द स्किन. राइट I'll put the proper light on her. Yes, I said Hasad as well. आप देख रहे हैं how soft it is and how like nice effect. और मुझे एक और भी गुनाह बोल सकते. Exactly, the Hasad is the big. इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसे आप कह लें कि होने वाला गुनाह है that is Hasad. I was wrong. और ये एक ऐसा गुनाह है. I'm using the pure gold serum here. ठीक है. प्योर गोल्ड सीरम. दूसरों पे बात करना और अपना पता नहीं रखना भी गुनाह. बिल्कुल ये बहुत बड़ा गुनाह है. अच्छा और देन आई एम एडिंग दैट प्योर गोल्ड सीरम के अंदर आई एम एडिंग द प्योर गोल्ड ड्रॉप्स. जस्ट टू ड्रॉप्स. यू नो व्हाई आई एम डूइंग टू ड्रॉप्स ओनली, क्योंकि हम जो प्राइमर अपना लगाने लगे हैं दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी फुल ऑफ मॉइस्चराइज. आप फजर को बोलने की नहीं दे रही लेकिन मैं बहुत बोलती हूँ. बोले फजर जी. मैं बोल रही हूँ एग्जैक्टली जो इस वक्त सबसे मेजर गुनाह है जो बहुत ज्यादा जिसे कह लें कि बहुत ज्यादा इन हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा चल रहा है, वो है हमारे माशरे के अंदर हसद. और ये ऐसा गुनाह है कि जिसमें आपको फील भी नहीं होता कि आप गुनाह कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप गुनाह. क्योंकि जब इंसान शराब पीता है उसको आइडिया होता है कि हाँ मैं शराब पी रहा हूँ. जब कोई काफी डॉनी चीज है कि आपको पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप गुनाह करते हैं. विच इज द मेन लाइक द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस. व्हाट ब्रांड इज दिस? प्योर हब. Flawless pure and pure gold. Amazing. Thank you so much. Thank you. Sajjal Mayo. Mayo, I'm sorry if I get your name wrong. Mayo. Haan, no, she, I think Hasad Gunah plus bimari hai. True. Aapke dimaag ki bahut badi bimari hai. Hasad baaki hi bahut badi bimari bhi hai. Aur haan ji kar dein. एमए नजीमा पेज पे इनबॉक्स कर दें. गुनाह तो है ही है और बाकी ये बहुत बड़ी बीमारी. थोड़ी देर में आपको रिप्लाई होगा. बिकॉज़ अभी पाकिस्तानी ड्रामा आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा है. दैट्स नेम बला. तो अभी भी ये मोर्फे का ब्राउ पहले यूज कर रही हूँ. अभी आई एम अप्लाइंग द जेल हियर बिकॉज राबिया इज अ वेरी प्रिटी गर्ल. But no, I swear इसके brow जो हैं वो बहुत ही बदसूरत हैं. No doubt. It's only available in Pakistan. झूठ नहीं बोलता जाता. हाँ तो सही कह रही हैं. बहुत पतले हो गए हैं. फिर भी किसका दिल रख लेते हैं. कोई बात नहीं. मुझे पता है. रबीब आपको पता नहीं झूठा दिल. मुझे पता है उनका कोई फिक्र नहीं है. It's only available in Pakistan. जी cash on delivery है. Guys. थोड़ा सा आप. अच्छा you guys can see properly. थोड़ा आगे हो जाओ. मैंने हंसे बोला था मुझे प्राइस क्या मिलेगा. आपको प्राइस दुबई का टिकट. दैट इज द बेस्ट प्राइस एवर. ठीक है दुबई का टिकट एंड वो. हां जी प्योर के पेज पे इनबॉक्स कर दें. दुबई का टिकट. हु डजंट वांट दैट यार. प्लीज मामा आप किस सिटी से हैं? कहां पे फाउंडेशन शूट नहीं करती क्या? आप बीबी क्रीम यूज करें. कहते हैं मैं फाउंडेशन बेस स्किन पर सूट नहीं करती है. अच्छा मेरे सिटी में
कौन सा सिटी आपका? अरे लिटिल मूव हाय और हमारे यहाँ कहते हैं बेस बहुत गोरी हो। नहीं गोरी हो अगर आपका कंप्लेक्शन टैन हो और आप बेटा आप गोरी गोरा हो करके जो सदा बेस को वो कर लेते तो आप हैं ग्रे लगोगे ग्रे प्लीज। कलर, तो उसका क्या फायदा उस फेस का? मामा आई स्वेयर बंदा ऊंपा लूंपा लगता है ऊंपा लूंपा। अगर किसी ने चार्ली द चॉकलेट फैक्ट्री देखी ना उसमें ऊंपा लूंपस देखे उसको पता लग जाएगा कि लाइक साइमा क्या जी के तीन चीज़ पेजेस हैं, साइमा जी का अपना प्योर भी और प्योर लाइफस्टाइल ग्रुप भी। साइमा आप ही आपका अपना कौन सा पेज है जी साइमा सारे मेरे यूसुफ। अपने पेज हैं, साइमा यूसुफ जिस पे मेरी साइमा मास्टर्स यूसुफ की इज माय थीसिस ओन है। पेज एंड प्योर हब ऑल्सो माय पेज एंड प्योर हब लाइफस्टाइल इज माय ग्रुप। मेरी स्किन में ब्रेक दाने हो ब्रेक जाते दाने हो हैं, जाते हैं एलर्जी भी हो सकती है प्लीज आप इंडोर्स हाइव्स होता करें। है ये, और पाप पतन किधर है मामा? यार बागपतन हमारी तरफ है, मैं साहिवाल हमारी के तरफ करीब है, हूँ। बल्कि मैंने जाना चाचा है बन कुछ दिन जाएंगे में बागपतन। दक्षिण देव कह रही है कि वो पाकिस्तान से फ्रैकल के लिए कुछ बताएं प्लीज। चला गोल्ड सैम आप फ्रैकल इनबॉक्स के मुझे लिए आप गोल्ड थेरेपी कॉन्टैक्ट यूज करें, दैट्स एक्सलेंट। और अगर आपको स्टबन फ्रैकल्स हैं, आपको जल्दी कवर करने हैं, तो गो फॉर आर ऑर्गेनिक पील, एंड दैट्स इनबॉक्स रियली मी रियली गुड। प्लीज। हफ्सा शोएब खान कौन है अगर ये? नहीं प्लीज आंसर सादिया दी आपने क्या क्वेश्चन पूछा लेट मी हैव अ लुक। मेरी स्किन पे बारीक दाने हो जाते हैं प्लीज आप इनबॉक्स करें आप सादिया आप इनबॉक्स पिक्चर करें, ये भेजिए हाइव्स अपनी। है, हाइव्स के लिए आप, हाइव्स इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी और ये किसी भी चीज़ से आपको जाती है, इससे आप सिंथेटिक प्रोडक्ट ना यूज़ ओके करें, नाउ यू हैव ब्यूटीफुल सिंथेटिक ब्राउज फ्रेग्रेंस ना यूज़ करें। आई लव हर ब्राउज नाउ मामा। यू नो मैं मेकअप क्यों नहीं सीखती हूँ बिकॉज हर चीज करने के लिए आप हैं यू नो इन माय केस लाइक आई स्वेयर अगर आप जैसी माँ किसी के पास हो ना बंदे का कुछ सीखने का दिल ही नहीं हाँ जी हाँ करता। जी उफ मैडम बुलाल मामा क्या हुआ है? बेस्ट बीबी क्रीम बता दें फॉर नॉर्मल स्किन बीबी क्रीम बाय बीबी प्योर क्रीम हम हब। लगा के आपको दिखा रहे हैं। बीबी क्रीम बाय प्योर हब अभी आएगी देखना। मैं अभी ओज नेचुरल मेरे क्रीम यूज मेरे कर चिक्स रही हूँ पर भी कम है। फॉर अच्छा ओपन पोर्स एंड एक्ने मैंने स्कार्स। अभी ओज नेचुरल ऑनलाइन क्रीम से क्या है यूज़ कर या रही हूँ। सीरम क्या है वी डोंट नो सो हम अपनी अब तरफ से इधर कह भी नहीं थोड़ा सा मूव सकते करना। पर यही अच्छा क्या पिगमेंट अभी के जो कुछ सीन बताएं है किरण इरफान इनबॉक्स। पर यहाँ कहती हैं हाथ पांव बड़े बड़े काले हो पर मेकअप गोरा हो। हाँ जी यही कॉन्सेप्ट है यहाँ अच्छा पे। अभी जो है हम क्या करेंगे, हम लोगों ने बेस यूज़ नहीं करना है, फाउंडेशन लगाए वगैरह हमारा वो हो रहा स्टेला है, प्लीज बट इनबॉक्स। हम हल्का सा करेक्टर यूज़ करेंगे ऑरेंज वन बिकॉज शी हैज डार्क सर्कल। बहुत जिन ज्यादा लोगों ने भी नेचुरल लुक करनी हो और वो केकी उनकी होनी आईज जो चाहती है है वो इस तरह गोल्ड से थेरेपी यूज डीप करें। हो और डीप के साथ अगर हल्के भी हों राइट, तो आप हल्का सा लिटिल बिट आप सिर्फ उस एरिया के ऊपर क्या अपना आईब्रो बनाया है सामी जी करेक्टर हैना डाल लें। चाय तो मैं एक दो चीज का ना बोल नहीं क्या लिटिल बिट राइट ओके, और इसको मैंने फिंगर के साथ ही ब्लेंड कर लिया बिकॉज आर लुक इज वेरी सुपर नेचुरल और बिल्कुल कुछ फेस के ऊपर केक ही नहीं होगा। क्या आईब्रो बनाया सामी जॉइन पे थैंक लगा यू, लाइक थैंक यू करना सो मुझे मच डियर। क्या करना चाहिए मुझे। आप बीबी क्रीम यूज़ कर लें। अच्छा तो इसके बाद अभी हम क्यों जाएंगे फॉर लाइनर। वो येलो बेस यूज करते हैं वहां पे तो ये ज्यादा सूट करेगी। आप साहिवाल से हैं नहीं हम मुझे साहिवाल नहीं से नहीं है, हमने बट देखा हुआ है सारा साहिवाल जो भी इधर उधर वो है। ओके गाइस रबिया अभी से राबी चा अच्छा ये असल में बताऊँ मेकअप से पहले राबिया होती ओके है मेकअप के बाद राबी होती है शी इज ओके राबी। एंड व्हाट पता सब टाइम बिठा आई एम लिया डूइंग लाइक द मॉर्फिक अलाइनर ब्लैक मुझे हियर यू लगन हो कैन रही है सी। यार हसन अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि नहीं करना चाहिए
जी मैं यही बता रही हूँ कि अब आप नोटिस करें बिकॉज ओपन नहीं 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 अच्छा मैं आईज के अंदर के एरिया में इसी ओपन सॉरी यार लिटिल बिट लाइन लगाऊंगी सवारे अली आई एम सॉरी मैं मजाक कर रही हूँ जस्ट बाय द वे लेकिन हाँ आई नो शी इज बीइंग अच्छा तो सार्कास्टिक हियर आई गेट इट अच्छा आगे हो जाए थोड़ा सा आगे बिकॉज आई विल शो यू राइट अभी मैं क्या कर रही हूँ जस्ट आई एम द पुटिंग द लाइन लाइनर की ठीक है मामा यहाँ पे लिखा हुआ है मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है राइट ब्रेकआउट होता है और ड्राइनेस एंड रैश है जानी आप जो स्किन है सिंथेटिक प्रोडक्ट बिल्कुल यूज ना करें सेंसिटिव स्किन के ऊपर और आप इनबॉक्स कर दें आई विल रिकमेंड यू द प्रोडक्ट्स ब्रशेस कौन से यूज कर रही हैं आप डियर मैं मिक्स कर रही हूँ इस वक्त कुछ मेरे पास बीडी के भी पड़े हुए हैं सलाम हेलो गुड हाउ आर यू सेंट कॉल मी हे दुबई हेलो दुबई का नाम आप सुन के आप नहीं तरह इतने खुश हो गए हैं सनाली ये ले सनाउल्लाह ये लड़की है लड़का है मामा यार ये नहीं पता अगर आप लड़का है ब्राह्मण भाई आप यहाँ से भाग खुद ही चले जाए अली को प्यार वाली जलन हो रही है ठीक है फिर ठीक है ओके मैंने अभी क्या किया मैंने आंखों के ऊपर लाइनर जो है वो अच्छा भर के लगा दिया कैन यू यूज लाइनर इनसाइड द आई डिपेंड्स ऑन द लाइनर कौन सा लाइनर है जो आप यूज कर रहे हैं राइट अभी मैं क्या करूंगी आई मेक इट लाइक द राबिया थोड़ा आप क्लोज रहिएगा बिकॉज ताकि नजर आता रहे राइट व्हाट आई एम डूइंग द सेम कलर जो मैंने यूज किया था दिस वन द डार्कर वन दिस राइट जो मैंने यूज किया था आई एम ब्लेंडिंग विद माई लाइनर मैंने इसके साथ लाइनर को मर्ज कर दिया लव यू तलत We miss you and your look. Wow. Actually, right? I love this look. And the other side also. Brushes aap log Morphe ke bhi le sakte hain, Sigma ke le sakte hain. Like I smudge my liner with this okay, color. एक दफा फिर शेर सुना दे प्लीज अच्छा एंड पे दोबारा सुना देते मामा आपके जमाने कितने अच्छे अच्छे थे ना शेर लोग आपको भेजते थे पता नहीं क्या क्या अभी मैं थोड़ा सा मेकअप पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ मैं आपको दूसरा आती हूँ उसी बात पे अभी वापस साइमा सेंड मी फुल फेशियल सेट बरीरा मरियम प्लीज आप इनबॉक्स करें बरीरा मरियम आपकी मासूम है ओह हेलो खाला फिर तो आपका फ्री है ओके मैं अगेन आई एम डूइंग दैट थोड़ा सा ब्लेंडिंग के साथ क्योंकि तब मेरा हाथ नहीं जा रहा था प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा था तो मेरा ब्लेंड इक्वली नहीं हुआ एंड अगेन आई एम डूइंग विद दिस अच्छा अगर ये मैं करूं ना सीरियसली लगेगा किसी ने मेरी आंखों पे मुक्के मारे हैं लाइक ग्रेट 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 अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं जी अब हम अच्छा मुझे आपके प्रोडक्ट चाहिए प्लीज़ आप कुछ भी करके इंडिया डिलीवर करना के लिए ट्राई करना आप दुबई में वाले हैं इंडिया इंडिया जो है वो कस्टम इशू होता है इसलिए वहाँ पे डिलीवरी नहीं हो रही बॉर्डर खत्म करवा दें आप नहीं वहाँ पे ना कॉस्मेटिक का प्रॉब्लम करते हैं बिकॉज यू नो पाकिस्तान इंडिया के जो ये कस्टम के सीन की वजह से तो वो कुछ जगहों पर जैसे कतर है और इन जगहों का प्रॉब्लम आता है वहाँ पे ये इशू करते हैं बड़ा ही अफसोस है यार अच्छा सो नाउ आई एम डूइंग लाइक द स्किन लव आर बीबी क्रीम और आई एम यूजिंग आप देख रहे हो कि इसका कम्प्लेक्शन जो है इट्स नॉट डार्क
But still I'm doing this color medium. So medium color I'm taking like the this much little bit amount right on my finger. Or aap iska blend dekhe, how nice it is. बहुत ही कमाल लड़कियों के लिए नहीं लड़कियों के लिए नुक्सा बता दें खूबसूरत होने का आप इनबॉक्स कर दें आप भाई साहब बिलाल मोहम्मद भाई साहब प्लीज आप इनबॉक्स कर दीजिए ये इधर आए कहाँ से हैं ये हमने बुलाया अगर आपने मेकअप सीखना है प्लीज डू स्टे अच्छा राइट ये मैंने पहले लगा दिया पूरा Or now I'm just with my hand. You can see it's very easy to blend, right? And this is 30 SPF. आप first time watch कर रही हैं? First time your makeup. Hello, Saima, Azim. Third time कर रही हैं ना? First time. Wow, Mama. Nice. वो watched first time कर रही हैं, but जी ने तो third time किया. Mama तो third time कर रही हैं. Okay, this is very like. Very smooth in texture. इससे आपके pores जो है वो minimize हो जाएंगे जब आप लगाएंगे. It's a BB cream. It's a BB cream, बेटा. अच्छा, pores जो हैं वो आपके foreign minimize हो जाएंगे. वो extra जैसे pores आपके visible होते हैं. तो ये नहीं मिलेगी cream. जी यहीं से मिलेगी. जी यहीं से online मिलेगी BB cream from our company. Inbox कर दें. Cash on delivery है. Address, name, number अपना send कर दें. और इट्स वेरी इजी टू ब्लेंड कोई इसमें वो शाइन और वो नहीं है बट फुल ऑफ मॉइस्चर मैट बिल्कुल मैट फिनिश है अच्छा 30 SPF है आप इवन एज अ सन ब्लॉक यूज कर सकते हैं इसको हमने यूज किए हाँ बहुत मजे की है ओके जी हमारी बीबी क्रीम है ये प्योर की राइट हमने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया कुछ नहीं लगाया जस्ट फ्रंट ऑफ यू वी अप्लाइड लिटिल बिट बीबी क्रीम यू लुक द बॉम डॉट कॉम और अभी जरी क्या ये ब्राइडल पे यूज कर सकते हैं जी कर सकते हैं जी अगर आपने नेचुरल ब्राइड बनना है तो डेफिनेटली डियर मेकअप आर्टिस्ट प्लीज शो योर हेयर यू हैव एनी क्लींजर फॉर डार्क सर्कल्स डार्क सर्कल्स के लिए आप आई क्रीम यूज करें गोल्ड थेरेपी यूज करें प्राइस बता दें अच्छा 2200 और अभी मैं हल्का सा इसके ऊपर पाउडर लगाऊंगी बिकॉज लाइक फॉर फिक्सिंग जी डिफरेंट शेड्स में भी है इसमें तीन शेड्स हैं अभी मैंने इनके ऊपर मीडियम शेड यूज किया है वन इज लाइट एंड वन इज डार्क हसीनों की मलका बहुत प्यारी है मैम जरी शाह हेलो थैंक यू जरी थैंक यू सो मच अच्छा मैंने बिल्कुल हल्का सा पाउडर यूज किया लिटिल बिट और आप आईज भी देख रहे होंगे कि इट्स वेरी वेरी सुपर बिल्कुल नेचुरल लुक में आ रही है कोई हमने आईज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं किया अच्छा जब आप नेचुरल लुक करें हमेशा तो एक चीज माइंड में रखें 2200 बीबी क्रीम इनबॉक्स कर दें कैश ऑन डिलीवरी अच्छा उस वक्त आपने जो ब्लशन है वो दबा के लगा लेना क्योंकि दबा के दबा दिल खोल दिल का बिकॉज आपका सामिया जी आपकी सारी क्लासेस फॉलो ही के वॉच कर रही हूँ ओ नाइस अफशा रियली नाइस रेड हेयर्स वाली मैम प्लीज शो योर हेयर नॉरीन ठीक है जी ठीक उन्होंने स्क्रीनशॉट लेनी है आपके बारे में बेसिकली okay. मेरी मामा अश्वर्या राय से भी प्यारी है मैं आ रही हूँ अभी आई फिनिश माय वर्क देन आई कम देयर बहुत आला तलत थैंक यू सो मच तलत खाला देखिए हम लोगों ने कोई शाइनर कुछ नहीं किया जस्ट फ्रंट ऑफ यू लिटिल बिट बीबी क्रीम लिटिल बिट दैट आर यू हैव कंप्लीट रेंज ऑफ कॉस्मेटिक नो डियर आई एम नॉट टेकिंग द बीबी क्रीम इज वेरी कॉस्टली मैम बट इट्स वेरी इफेक्टिव इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव ऐसी चीज सस्ते में कहाँ मिलती है आप उसकी कवरेज देखिए आप उसका ब्लेंड देखिए It's 30 SPF. Guys, foundation is something which I think हर किसी का या BB cream के लिए भी अच्छा मैंने निकाला है. For the natural look, I'm just doing like that, like any of the darker shade and center में
मैं उसका पाउट दूंगी राइट जस्ट लाइक दिस एंड उसके बाद बीबी क्रीम की प्राइस है 2200 2200 की है कैश ऑन डिलीवरी इनबॉक्स 2200 रुपए हाँ, आप ये भी कह सकते हैं 2199 क्या कह सकते हैं क्या ऑल टाइप ऑफ स्किन 1199 रुपए शुक्रिया शुक्रिया अच्छा उसके बाद में मैका दैट इज किंडा सेक्सी 877 आपके सामने मैंने लगाया है दैट्स नॉट लाइक शोइंग सो मच और दैट क्विक जो स्पेशली जाना चाहते हैं ऑफिस में कल के लिए सेव कर लूं मैं कभी अच्छा ऑफिस में जाना है कॉलेज गर्ल्स है और आईज नहीं करना जस्ट काजल लगाएं राइट हल्का सा मस्कारा लगाएं और वो भी तो बता रही है कि क्यों एक्सपेंसिव है इसके अंदर इतना कुछ तो चलती देयर इज नॉट द दैट टिपिकल बीबी क्रीम जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं अगर उसका इफेक्ट ऐसा आता है तो आप मुझे बताएं बीबी क्रीम एक्सेलेंट मेकअप साइमा थैंक यू सो मच दिस इज वेरी नेचुरल लुक थैंक यू डियर This is very, very natural look. No foundation. Oh, she looks in pain. I feel you, honey. Dari, itne dil na bhejo, main down ho jaungi. Okay, there is no any foundation, no any highlighter. Agar aap highlighter add karna chahte hain, it's your own choice. Aap kar sakte hain. We can go for that. Or no. Lip line, if you want, we can do little bit. A little bit under the lips and over, I would say. This is such a subtle look. It's like very, very natural. आपको कुछ भी और सबसे इसकी मजे की बात है कि ये सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही रहेगा. And if you want to add little bit more, नहीं ये नहीं दूसरा पड़ा होगा वहाँ. आपके hair बहुत silky हैं क्या use करते हैं? Pure Hub hair shampoo and hair lock hair tonic and mama ने color किया है, so how can I go wrong? ये color हमने last time किया था, we'll do it again. अच्छा मेरे बाल बहुत हल्के हैं प्लीज कुछ बता दें जी अभी बताया मैंने हेयर लॉक हेयर टॉनिक बाय प्योरहब हेयर लॉक हेयर शैम्पू बाय प्योरहब एंड आप साथ साथ फ्लॉलेस भी यूज कर सकते हैं योर हेयर कौन फ्लॉलेस हेयर है कि नहीं है जी हेयर लॉक ऑयल आ गया हुआ है ओह रियली ग्रेट मुझे ऐसा ही नेचुरल मेकअप पसंद है थैंक यू सो मच साइमा जी सेम हेयर हनी ठीक है जी अवेलेबल हैं दिस इज फॉर योर डेली लुक मेकअप यू कैन डू एवरीडे विदाउट एनी फाउंडेशन जी विदाउट एनी इस बीबी क्रीम हाइड डार्क सर्कल यस नॉर्मल स्किन के लिए फाउंडेशन बता दें प्लीज बजट आप टेंशन ना लीजिए अब नॉर्मल स्किन के लिए बीबी क्रीम यूज करें ये नॉर्मल स्किन के लिए ये मॉडल है या आपकी फ्रेंड है ये मॉडल है हमारी जी मॉडल है और आप कोई भी हाइलाइटर ले लें इफ यू वांट टू गो मोर जैसे ऑफिस में जाना है या कुछ इस तरह से आपका है कुछ लंच टाइप सीन है तो देन यू कैन मेक इट स्कर्ट किस ब्रांड की स्कर्ट नहीं है शलवार है नहीं नहीं शर्ट किस ब्रांड की है बहनी ओह नो स्कर्ट
Whoops. Amma, that is only designed by Saima Yousaf. Amma, apne kapde. Saima Yousaf ki saari shirt Saima Yousaf ki apni hoti hai. Aapke hairs. मुझे एक्चुअली नहीं अपनी पसंद के कपड़े बहुत कम कहीं से मिलते हैं और समटाइम ओके नाउ इट्स वाओ एंड वेरी फ्लॉलेस एंड वेरी यू कैन सी इट्स क्लास लुक इफेक्ट एंड वेरी नेचुरल मज़ेदार बना मेरे शेयर पे बहुत सारी छाइयां हैं अच्छा बता दें प्लीज दुआ दूंगी आपका गोल्ड थेरेपी यूज करें या पीलिंग आप पिक्चर भेजें देन आई विल टेल यू लाइक थेरेपी गोल्ड थेरेपी या ऑर्गेनिक पील दोनों में से क्या जाएगा हाँ हियर हियर इज फाइन ओके नाउ यू कैन सी देयर इज नो फाउंडेशन नो बेस हमने सबसे पहले पॉलिशर यूज किया फिर हमने गोल्ड मास्क यूज किया और उसके बाद हम लोगों ने अपनी बीबी क्रीम यूज की फ्रॉम प्योरहब और मीडियम शेड के अंदर हल्का सा लिटिल बिट आई मेकअप एंड वेरी नाइस टच ऑफ ब्लशर एंड आवर लिप कलर एंड नाउ राबिया लुक्स स्टनिंग आप किसी भी एज में यूज कर सकते हैं इसका कोई वो नहीं है स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं वो फाउंडेशन मत लगाएं थैंक यू सो मच डियर थैंक यू लव वो फाउंडेशन की तरफ ना जाएं और इट्स वेरी इजी स्पेशली फॉर द वर्किंग वुमेन्स जो बैंकर्स हैं ऑफिस में काम करती हैं टीचर्स हैं नहीं मामा का स्टूडियो थैंक यू हुरेन थैंक यू डियर हुरेन रिमाइंड्स मी जी नो इट्स नॉट माय सैलून इट्स माय क्लिनिक जस्ट फॉर माय लाइक सम ऑफ क्लाइंट्स थैंक यू प्रेशियस बियर ओके आईब्रोज कलर इज डार्कर बिकॉज वी गाइस आर चेंजिंग आवर हेयर कलर्स राइट हम बालों के कलर कर लेते हैं लेकिन हमारे जो नेचुरली ब्राउ कलर है विच इज डार्क तो अगर हम उसको लाइट करेंगे तो दैट लुक नॉट गुड समझ गया बहुत अच्छी लग रही है थैंक यू क्रिस्टलाइज टेल मी समथिंग आई डोंट नो थैंक यू डार्लिंग माय मॉम इज ब्यूटीफुल प्लीज बता दें क्या जहां क्या बताना है आपको नो आई एम लिविंग इन लाहौर आई हैव नो सैलून आई हैव ओनली प्योरहब कंपनी हियर और जस्ट वर्किंग एज फॉर ब्राइडल जो अपॉइंटमेंट्स में लेती हूँ मैं सिर्फ ब्राइडल्स के लेती हूँ सम ऑफ माय क्लाइंट्स जो जिनका स्किन इश्यूज हैं डियर मुझे याद बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज मैंने लास्ट ईयर ली थी अब आप आपको लिंक आ जाएगा आप देख लीजिएगा इनबॉक्स करें जिया हैदर जी हूँ नूर आप इनबॉक्स कर दें बीबी क्रीम के लिए बिकॉज बीबी क्रीम हमारा इतना फास्ट मूविंग आइटम है कि ये हमारा लाइट और डार्क दोनों कलर्स निकल गए वेरी क्विक इन टू डेज और अभी इसका मीडियम शेड इट्स अवेलेबल नाउ जो फिलहाल है और बाकी जो कलर्स हैं वो हमारे दो आफ्टर मेरे ख्याल हमारे एग्जीबिशन के बाद आएगा स्टॉक यहाँ लिखा हुआ है आप बहुत काइंड एंड पोलाइट लेडी हैं थैंक यू सो मच बेस्ट थैंक यू डियर ओवरऑल मेकअप इज सुपर्ब आपका पॉल लाहौर में नहीं इनका पार्लर नहीं है इनका ब्राइडल स्टूडियो है यहाँ पे जी अगर आपका फेस हेयरी है डियर तो गो फॉर आवर कैरमल वैक्स दैट्स रियली रियली गुड फॉर योर फेशियल हेयर आप एक दिन मैं उसका डेमो भी दे दूंगी और किस तरह से उसको किया जाता है ऑनलाइन हम उसको कर लेंगे और यू हैव टू अप्लाई ऑन योर फेस एंड पूरे आपके फेशियल हेयर रिमूव हो जाएंगे And you can use coal powder after that. Coal powder use करने से आपके hairs जो हैं वो minimize हो जाएंगे. Hell yes. किसी पे भी कर सकते हैं. किसी पे भी कर सकते हैं. Aisha Saeed. Okay. तो जब मैं उस वक्त makeup सिखाती भी हैं. जी अभी makeup सिखाई रही. जी अभी makeup सिखाई रही थी मैं. हमारी सिटी में भी कोई क्लास कर दें इनको डियर मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ आप उनको ज्वाइन करें और आपको पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर मेकअप भी मिलेगा और साथ में सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगी प्योर हब लाइफस्टाइल हमारा ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबको ज्वाइन करवाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे ताकि जो लोग भी ले सकते हैं इसके ऊपर एडवांटेज
वो जरूर ले। देख लीजिए आप मेरा रूबी बैंगल क्लोज करके फाइन जी डियर थैंक यू सो मच सीनियर एक्चुअली देखिए जो टैलेंट मेरे पास है आई डोंट वांट टू वेस्ट इट मैं बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू गिव द वैसे क्लासेस टू लाइक यू नो टेकिंग मनी एंड देन बिकॉज दुबई में मेरी प्रॉपर प्रोफेशनल क्लासेस हो सकती थी वो चार्जेस होते थे मैं लेती थी लेकिन नाउ आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट कि मैं प्रोफेशनल क्लासेस लूँ और मैं जाके लोगों को मतलब सामने क्लासेस दूँ द शॉर्ट ऑफ टाइम तो दिस इज़ द ईजी वे फॉर मी कि एटलीस्ट जो मैंने सीखा हुआ है जो इंटरनेशनल स्किल्स मेरे पास हैं वो आप सब तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सीखें हमारे ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में फैमिली में सबके साथ ताकि जितने लोग इस नॉलेज को अवेल कर सकें दैट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस थैंक यू शाजिया खान थैंक यू जहरी शाह के लिए कुछ बता दें प्लीज अच्छा ठीक है जी ठीक है जहरी सॉरी अब नहीं करती मैं खान, कुछ हाय अच्छा और अभी नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा दैट विल बी फॉर हेयर्स जो हेयर्स में इंटरेस्टेड हैं जो करना चाह रहे हैं विल डू द एट द सेम टाइम हेयर कलर होगा हेयर कट होगा और हेयर स्टाइलिंग होगी एट द सेम टाइम सारा खान पूछ रहे एक्सपीरियंस कहाँ से हासिल किया मैं बताती हूँ आप मेरा पोर्टफोलियो देखिए उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्सपीरियंस कहाँ से लिया और दुबई पेरिस यू नेम इट पीपल तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एक्सपीरियंस फ्रॉम वेरी बिग नेम्स वेरी बिग आर्टिस्ट और प्रोफेशनली किया जितना काम किया इनबॉक्स प्लीज सादिया जी बिल्कुल सादिया जब हम स्टाइलिंग में आएंगे तो ऐसी सब चीज़ें हम गाइड करते जाएंगे ठीक है अब उसको बताते जाएंगे कि हाउ यू हैव टू मैनेज इट फोरहेड जो ब्रॉड होता है उसके लिए आप कॉन्टोरिंग करें और दैट्स गुड फॉर दैट जब भी आप मेकअप करें उसको कॉन्टोरिंग करें हाँ आई डोंट नो हियर ठीक है और अपना ख्याल रखें लव यू ऑल वॉट एवर द प्योरहब प्रोडक्ट्स यू हैव यू गाइज हैज टू इनबॉक्स अस हमारे पेज पे करिए आप हमारे साइमा यूसुफ के पेज पे प्योरहब के पेज पे थैंक यू सो मच तानिया थैंक यू माहम मुस्तफ़ा जी मिन्हा आपने क्या कहा सॉरी मैंने नहीं देखा आपका मैसेज लव यू तलत लव यू सो मच लिमिशेस के लिए आप पिक्चर सेंड करें डियर अपनी इनबॉक्स में और वो उसके हिसाब से आपका देख के दैट आई विल रिकमेंड यू थैंक यू निड्स थैंक यू डियर हाय कैन यू रिप्लाई मी आई एम इंटरेस्टेड इन गोल्ड थेरेपी मुझसे विटामिन सी है इन विच फॉर्म ऑफ विटामिन सी यूज Dear, this argol therapy is the based of vitamin C, right? And vitamin C plus gold flakes in our drops. So, ये तीन pieces का set है. There is the serum and drops and mask. तीन चीजें इसके अंदर होती हैं और vitamin C based है. But the good thing is कि जिन लोगों को even vitamin C because it's citrus based होता है तो इससे allergy बहुत जल्दी हो जाती है. तो जिन लोगों को इवन एलर्जी का भी इशू है वो भी यूज कर सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी द रिफाइंड फॉर्म ऑफ दैट डियर हेयर कट्स मैं नहीं करती यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं कर रही राइट और अपना बहुत ख्याल रखिएगा हसद एक ऐसा गुनाह है जो हमें फील हुए बगैर हम कर जाते हैं तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जब कर रहे हैं तो हमें पता होता है हम झूठ बोलते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है थैंक यू बरीरा थैंक यू सो मच लव ऐसे ही शराब पीने वाले को पता चलता है मैंने पी है जिना करने वाले को पता होता है मैंने किया है
बट जो हसद है वो ऐसी चीज है, करने वाले को कभी कभी पता भी नहीं चल रहा होता कि वो हसद कर रहा है। हम जब हसद करने लगते हैं तो हमें खुद को पता नहीं चलता कि किस वक्त हम हसद कर रहे हैं। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जब फरमाया कि हसद करने वालियों के शर से जब वो हसद करने लगे, तो जब हम लोगों से हसद करने लगते हैं तो अल्लाह पाक ने उसको इतना बुरा समझा कि अल्लाह पाक ने कुरान में हमें उसकी तलकीन कर दी कि उनके शर से हमें अल्लाह बचाए। तो ये एक ऐसा गुनाह है जिसको हम रियलाइज नहीं करते कि हम कर रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी, जो अभी आजकल बहुत ज़्यादा किया जाने वाला गुनाह है, वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हम अपनी ऐसी बहुत सी पोस्ट अपलोड कर देते हैं जिसकी वजह से लोग हसद करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ट्राई टू बी कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत करें, और थोड़ा सा देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हमारे जैसे चीज़ें नहीं हैं, वो अफोर्ड नहीं करते, वो ले नहीं पाते। ज़रूरी नहीं है जो हसद कर रहा हो सिर्फ उसी की गलती है, समहाउ गलती हमारी अपनी भी है। अगर मैं किसी से इंस्पायर हूँ और मैं किसी से देख रही हूँ और वो डे बाय डे डेली एक चीज़ दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाती चली जाऊँगी, बताती चली जाऊँगी। खाने की भी पिक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स की भी करते हैं, अपने डेली कपड़ों की भी करते हैं, जूतों की भी करते हैं। थैंक यू आपदा, थैंक यू सो मच लव। जिया हैदर इनबॉक्स डियर, आई विल टेल यू होल चार्जेस। और हम को खुद पता नहीं चलता कि हम लोगों को हसद करवाने लग जाते हैं। समहा कुछ लोग नहीं भी करना चाहते तो हम करवाने लग जाते हैं, हम उनको मजबूर कर देते हैं कि आप हमसे हसद करें, बिकॉज हम अपना इतना शो ऑफ कर देते हैं, इतना कुछ दिखावा दिखाते हैं कि लोग वाकई मजबूर हो जाते हैं। जैसे सब मामा अफोर्ड नहीं करते सब आप इतनी चीज़ें। खूबसूरत हैं कि सब मजबूर हो शायद जाते हैं। आई एम सीरियस। अच्छा डियर, आप हमारा हेयर लॉक टॉनिक और हेयर लॉक शैम्पू यूज़ करें, दैट्स द बेस्ट थेरेपी फॉर हेयर एंड इट्स एक्सेलेंट। तो इसलिए ट्राई टू बी डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत करें। देखिए बहुत सारे लोग अब वो चीज़ें नहीं खरीद सकते जो हमारे पास हैं। राबिया पागल हो गई हैं, वो अब अपनी अपनी बीबी क्रीम को फुल टाइम एंजॉय कर रही हैं। एक अगेन लोग, हम आपको राबिया की दिखाएंगे। सॉरी फिर से। इसलिए नहीं, बिकॉज मेरा आज हम इस पे बात कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि ये एक ऐसा गुनाह है जो हमसे होता चला जा रहा है बगैर हमें पूछे, बगैर हमें बताए और बगैर हमें रियलाइज करवाए। तो इसमें दोनों बराबर के शरीक हो रहे हैं, दिखाने वाला भी और बेचारा करने वाला भी। तो ट्राई टू बी कि अपने आप को लिमिट्स में रखें, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने शो ऑफ ना करें। ठीक है आपकी इंटेंशन वो नहीं होती, लेकिन समहाउ हमारी इंटेंशन होती भी है कि हम दिखावा करें, लोग हमारा घर देखें, लोग हमारे कपड़े देखें, लोग हमारा किस रेस्टोरेंट में हम गए हैं वो देखें, लोग हमारा। तो फिर ज़रूरी नहीं होता कि 100 बंदा अगर आपको दिखता है तो 100 का 100 खुश होता है, उसमें हसद करने वाले भी होते हैं। हसद ना भी करना हो तो करना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू बी दोनों साइड से, एक तो करें मत और दूसरा ऐसे दिखावे मत दिखाएं जिससे लोग आपसे हसद करने लगें और आप उस जुमरे में आ जाएं, क्योंकि हसद बहुत बुरी चीज़। तो ट्राई टू बी लाइफ के ऐसे फैक्टर्स जिनको हम अपनी ज़िंदगी में इजीली चेंज कर सकते हैं, हम उनको चेंज करें, हम नॉर्मल लाइफ की तरफ आए और उन चीज़ों की तरफ आए विच इज़ क्लोज टू आर रिलीजन। ये मेरा वाला फूल किसने इस्तेमाल किया है कमेंट्स में? जी डियर, ऑर्डर जो है वो आप इनबॉक्स करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी है। ये मेरा फूल है। हाँ
थैंक यू नाज़मीरा, थैंक यू सो मच डियर। तो आप लोगों के जो भी टॉपिक्स हो, जो भी चीज़ें हों, आप हमें प्योर हब लाइफस्टाइल के ऊपर अपने व्यू दे सकते हैं, उसके ऊपर आप अपने टॉपिक्स हमें बता सकते हैं, जो ट्रेंड्स आप सीखना चाहते हैं वो बता सकते हैं। सो वील डू द वीडियोज ऑन फैशन, ऑन योर पर्सनैलिटी, ग्रूमिंग, मेकअप, हेयर, ऑन एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू लर्निंग, इवन इट्स कुकिंग, इवन इट्स the other part of the baking and all. So ये सब हम लोग इंशाल्लाह प्रोफेशनली लेके आ रहे हैं प्योर हब लाइफ स्टाइल के ऊपर। सो जॉइन विद अस। और राबिया प्लीज आप आके दोबारा एक लुक दिखा दीजिए, देन आपसे इजाजत। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ओके, सो यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ आर बीबी क्रीम, नो फाउंडेशन, no filter, no chemical, right? Only Purehub. This is such a cute video I got right now. How cute. Send me that. Okay, love you all. Apna khayal rakhiye. Bye. Allah Hafiz. Okay, you guys stay here. Aise hi rehna. Hoti hai, hoti hai play. Bilkul hoti hai. Aap Purehub lifestyle pe jaake kariye. Okay, this is a